मीना लेमेनेस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गणपति की पूजा कर सिंधिया ने संभाला महासचिव का पद। प्रेमिका के पति को सरकारी डॉक्टर ने 50 टुकड़ों में काट कर एसिड में गलाया। परोसेंगे अक्षय पात्र। फाउंडेशन के कार्यक्रम में पहुँचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बच्चों को परोसेंगे मीट डेविड। अब देखते हैं खबरें विस्तार। नई दिल्ली कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कांग्रेस महासचिव पद का कार्यभार संभाल लिया है। सिंधिया को कांग्रेस नेतृत्व ने महासचिव बनाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी है। चार्ज लेते समय सिंधिया ने यूपी की जमीनी हकीकत पर बात करते हुए कहा कि प्रदेश में जाकर ही स्थिति के बारे में पता लगेगा। यूपी से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश और केंद्र की एक रणनीति होगी या अलग, इस पर कांग्रेस आलाकमान फैसला लेंगे। होशंगाबाद वैश्यपन किसे कहते हैं ये आज आपको पता चल जाएगा, क्योंकि हैवानियत की हद पार करने वाली इस खबर को पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। होशंगाबाद के सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ एक डॉक्टर ने अपने ड्राइवर को 50 टुकड़ों में काट कर एसिड में गला रहा था कि तभी पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। दिल दहला देने वाली घटना के पीछे अवैध संबंध का होना बताया जा रहा है। इटारसी के सरकारी हॉस्पिटल में पदस्थ डॉक्टर सुनील मंत्री की पत्नी बुटीक चलाती थी, जिसकी एक साल पहले मृत्यु हो गई थी। उसी बुटीक में मृतक की पत्नी भी काम करती थी, जिसके चलते उसका अक्सर डॉक्टर के घर आना जाना रहता था। इसके चलते मृतक को शक था कि मंत्री से उसकी पत्नी के अवैध संबंध थे। फाउंडेशन के उपाध्यक्ष युधिष्ठिर कृष्णदास ने बताया कि अक्षय पात्र की 18वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण भेजा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने वाली संस्था अक्षय पात्र की 18वीं वर्षगांठ पर 11 फरवरी को वृंदावन आएंगे। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए।